एक बार फिर आप लोगों के डिमांड पर हम आ गए हैं महात्मा गांधी सेतु का अपडेट देने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि जून का महीना जो इनके लिए डेडलाइन था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का, उस महीने में कितना काम बाकी हुए है और कितना काम हुआ है, उसका अपडेट आपको हम देने के लिए ले चलते हैं महात्मा गांधी सेतु ब्रिज के तरफ। अभी हम पाया नंबर एक के पास हैं और यहां से आपको गाय घाट तक यानी उस पार तक पाया नंबर 46 तक हम पूरा अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये सामने पाया नंबर एक आप देख रहे हैं जहां पे काम चल रहा है। पाया को पियर कैप बनाया जा रहा है, जो पाया नंबर एक जो बनाया नहीं गया था उसका पियर कैप बनाया जा रहा है और यहाँ पे पाइलिंग का भी काम चल रहा है इनका। अब चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि आगे क्या स्थिति है। दो है और उस पर काम चल रहा है टॉप पे और ये हम बढ़ रहे हैं। इधर मुझे पाया नंबर 9-10 के बीच में जो गैप था वो मुझे कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, कनेक्ट दिख रहा है। अब तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ से लग रहा है कि कनेक्ट हो चुका है। चलिए वहाँ पर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या है। ये है पाया नंबर 9 और उधर है 10, ये भी कनेक्ट हो चुका है, यहीं पे बचा हुआ था। 9-10 के बीच में काम नहीं हुआ था और ये सब काम तो पहले से हो चुका था, ये आप लोग को पता ही है। और 10 के बाद भी काम हो चुका था वही पता, लेकिन अब 9 और 10 भी कनेक्ट हो चुका है। ये 9 और 10 के बीच का पार्ट है और आगे देखते हैं कि आगे क्या स्थिति है। पाया नंबर 17 आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर ट्रस्स इरेक्शन का काम चल रहा है 16 और 17 के बीच में। 16 तक, 2 से 16 तक ट्रस्स इरेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और इधर 16 से लेकर के इधर 17-18 के तरफ पे काम चल रहा है ट्रस्स इरेक्शन का। और सुबह का समय है तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।
तेईस है, 23, 24 और इधर 22 पे ट्रस इरेक्शन का काम चल रहा है और उधर 17 के बाद चल रहा है, वो मैंने आपको दिखाई दिया है। और इधर 24 के बाद पियर कैप दिख रहा है, उधर काम नहीं दिख रहा है लेकिन उधर क्रेन लगा हुआ है। मुझे लगता है कि 26 पे काम चल रहा है, तो 24 और 27 के बीच में ही काम बाकी था ट्रस इरेक्शन का, 27 से तो आगे काम कम्प्लीट ही है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 27 है, ये तो पता ही है आप लोगों को, यहाँ तक कंप्लीट है भी पता है। और इधर काम अब शुरू हो चुका है, पिछले वीडियो में भी शुरू था लेकिन अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। जहाँ जहाँ पे ट्रस इरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रस इरेक्शन का काम चल रहा है। और इधर उधर की स्थिति मैंने बता ही दी है कि 17 से लेकर के ये 27 एक पोर्शन था जहाँ पर ट्रस इरेक्शन का काम चल रहा है, छिटपुट कहीं कहीं पे चल रहा है। और इधर 27 से लेकर के 38 तक ट्रस इरेक्शन का काम हो चुका है, ये आप देख लीजिए। का महीना है और गंगा में फिलहाल अभी जलस्तर नहीं है, देख सकते हैं कहीं कहीं पे पानी दिख रहा है, थोड़ा पानी आने लगा है फिलहाल भी। और इधर काम भी चल रहा है, चलिए अब चलते हैं उस तरफ से, दिखाते हैं पुल की तरफ से कि क्या स्थिति है और चलेंगे गाय घाट तक और दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। ये 27 नंबर पाया मैंने क्रॉस किया और इधर 26 के बाद आप देख सकते हैं ये स्थिति है। ट्रस इरेक्शन का काम कंप्लीट, अभी पाया नंबर सामने 36, 37, 38 आपको दिख रहा है, जो लास्ट ट्रस आपको दिख रहा है वो पाया नंबर 38 है ये, और वहाँ तक ट्रस इरेक्शन का काम ख़त्म हो चुका है। और 39 का फिलहाल सेगमेंट डाउनलोड नहीं हुआ है, और 40 का पियर कैप भी अभी नहीं टूटा है, 41 का पियर कैप बन रहा है, 42 का पियर कैप बन रहा है, जो हमें यहाँ से दिख रहा है। अब चलते हैं उस पार और देखते हैं कि क्या स्थिति है। और इन्होंने अपना सारा सामान अब जो भी था यहाँ पर वो शिफ्ट कर लिया है, मैदान पूरी तरह से खाली है क्योंकि बारिश का मौसम, बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन मौसम तो है ही बारिश, और ये पानी बढ़ने का सीज़न भी, गंगा दशहरा क्रॉस किया है अभी 3-4 दिन पहले और गंगा दशहरा से गंगा का पानी बढ़ने लगता है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या स्थिति।
46 जहां तक ट्रस इरेक्शन का काम होना है और यहां पे पियर कैप का निर्माण की प्रक्रिया अभी शुरू होने वाली है। ये काम इधर बचा हुआ है और इधर भी काम 45, 44, 43 यानी कि 38 तक बचा हुआ है, लेकिन काम चल रहा है। इन्होंने जून में कंप्लीट करने का इनको जिम्मेवारी मिली थी, लेकिन इन्होंने किया नहीं है। अब आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। जून में इसे पूरा होना था, कंप्लीट होना था, लेकिन ये हो नहीं पाया है। और पाया नंबर 1 और 2 के बीच में काम चल रहा है। 2 से लेकर के 17 तक कंप्लीट हो चुका है ट्रस इरेक्शन का काम। 17 से लेकर के 27 के बीच में काम चल रहा है, ट्रस इरेक्शन का काम चल रहा है। और 27 से लेकर के 38 तक ट्रस इरेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। और 38 के बाद यानी यहाँ तक 46 तक के काम चल रहा है। पियर कैप बनाना है, पियर कैप तोड़ना है, सेगमेंट को डाउनलोड करना है। कई काम बचे हुए हैं 38 से लेकर के पाया नंबर 46 तक है। और उधर 27 से 17 तक के तरफ इरेक्शन का ही काम से बचा हुआ है। अब ये कब तक कंप्लीट कर पाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे इनका 1 महीने में 8 पाए पे सेगमेंट ट्रस इरेक्शन का काम का स्पीड रहा है। ये इन्होंने 8 पाए पे 1 महीना में ट्रस इरेक्शन का काम किया है, तो उधर वाला तो कंप्लीट हो जाएगा। 27 से लेकर के 17 तक वाला हमको लगता है कि वो इस महीने या अगले जुलाई तक ये कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें बहुत सारा काम बचा हुआ है। पियर कैप बनाना है, पियर कैप तोड़ना है, सेगमेंट डाउनलोड करना है, ट्रस इरेक्शन करना है, बहुत सारा काम बचा हुआ है। अब इस और ये मेन पानी वाला पोर्शन है और पानी का जलस्तर, गंगा का जलस्तर भी अब बढ़ने लगा है धीरे धीरे। तो अब देखते हैं कब तक ये कंप्लीट कर पाते हैं। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे इनका प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।